वक्त के साथ साथ लोगों का रहन सहन बदल रहा है, ठीक उसी तरह लोगों की बनाई गई बिल्डिंग्स में भी बहुत बदलाव आ रहे हैं। जैसे स्वीडन का टर्निंग टॉर्सो टावर, जो जितनी ऊंचाई पर जाता है उतना ही ट्विस्ट होता जाता है, और चारों तरफ से पेड़ पौधों से ढका हुआ ग्रीन विला, जो नीदरलैंड्स में मौजूद है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं, इन खूबसूरत बिल्डिंग्स में इंडिया की भी एक इमारत का नाम शामिल है? तो जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। टर्निंग टॉर्सो स्वीडन। टर्निंग टॉर्सो बिल्डिंग स्वीडन के मैलमो शहर में लोकेटेड है। टर्निंग टॉर्सो का कंस्ट्रक्शन 2001 में शुरू किया गया था, जो अगस्त 2005 में कंप्लीट हुआ था। इस बिल्डिंग का नाम इसके स्ट्रक्चर पर पूरी तरह से सूट होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टर्निंग टॉर्सो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऊपर जाते जाते पूरी तरह से टर्न हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बिल्डिंग टॉप पर पहुंचने पर 90 डिग्री तक ट्विस्ट हो जाती है। इस शानदार बिल्डिंग को एक स्पेनिश आर्किटेक्ट सैंटियागो कैलेट्रावा ने डिजाइन किया था। इस बिल्डिंग की टोटल हाइट 620 फीट है, जिसमें 9 ब्लॉक्स, 54 फ्लोर्स और 147 अपार्टमेंट्स हैं। टर्निंग टॉर्सो नॉर्डिक रीजन की सेकंड सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग मानी जाती है। दोस्तों, इस बिल्डिंग को नियो फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव के हिसाब से डिजाइन किया गया है। टर्निंग टॉर्सो बिल्डिंग को गोल्ड एम्प्रेस स्काईस्क्रेपर अवार्ड भी मिल चुका है। द शंघाई टावर चाइना। दोस्तों, शंघाई टावर चाइना की शंघाई सिटी में लोकेटेड है। इस बिल्डिंग में 128 फ्लोर्स हैं और ये टावर असल में 632 मीटर्स लंबा है। शंघाई टावर को चाइना की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग्स माना जाता है। इसके अलावा ये चाइना की सबसे बड़ी और ऊंची बिल्डिंग भी है। इसके साथ साथ ही शंघाई टावर इस दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इस टावर को गैंसलर आर्किटेक्चरल सर्विसेज कंपनी ने शंघाई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर डिजाइन किया है। इस टावर को बनाने की शुरुआत नवंबर 2008 में की गई थी, जिसके बाद ये टावर 2017 में पूरा बनकर तैयार हो पाया था, जिसको बनाने में कुल $2.5 बिलियन का खर्चा आया था। शंघाई टावर में इस दुनिया की सेकंड सबसे फास्टेस्ट लिफ्ट्स लगी हुई हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये बिल्डिंग टॉप पर पहुंचकर ट्विस्ट हो जाती है। इस डिजाइन ने बिल्डिंग की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। शंघाई टावर इस दुनिया की सबसे बड़ी लीड प्लैटिनम सर्टिफाइड बिल्डिंग है। वारिसान मर्डेका टावर मलेशिया। वारिसान मर्डेका टावर मलेशिया के कुआलालंपुर में लोकेटेड है। वारिसान मर्डेका टावर की हाइट 678.9 मीटर है। इस टावर के अंदर असल में 118 फ्लोर्स मौजूद हैं। इस टावर को मर्डेका 118 और KL118 भी कहते हैं। ये पूरे एशिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है और पूरे वर्ल्ड की सेकंड सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है। इस टावर को बनाने में अभी तक लगभग $1.21 बिलियन का खर्चा आ चुका है। इस बिल्डिंग में 87 एलिवेटर्स लगाए गए हैं। साथ ही इस बिल्डिंग की खूबसूरती हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मैनहट्टन न्यूयॉर्क। वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूयॉर्क मैनहट्टन में लोकेटेड है। इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन 2006 में शुरू कर दिया गया था, जो 2013 में कंप्लीट हुआ था। वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को 1WTC और फ्रीडम टावर के नाम से भी जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बिल्डिंग को बनाने में लगभग $3.9 बिलियन का खर्चा आया था। 1WTC को डेविड चाइल्ड्स ने डिजाइन किया था। ये बिल्डिंग देखने में किसी लंबे से डायमंड की तरह नजर आती है, जिस पर धूप पड़ने से इसकी चमक और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यूनाइटेड स्टेट्स की दूसरी सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग पूरी दुनिया में सातवीं सबसे लंबी बिल्डिंग भी है। इस बिल्डिंग की लंबाई 541.3 मीटर है, जिसमें कुल 104 फ्लोर्स हैं। और तो और इस बिल्डिंग में 73 एलिवेटर्स यानी कि लिफ्ट्स भी मौजूद हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बिल्डिंग को 3D मॉडल के ऊपर बनाया गया है। वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पूरे न्यूयॉर्क की एक आइकॉनिक बिल्डिंग मानी जाती है। द लोटस टेम्पल न्यू दिल्ली। इंडिया में भी बहुत सी मशहूर और सुंदर बिल्डिंग्स हैं। उन्हीं में से एक इंडिया के दिल यानी कि न्यू दिल्ली में बना लोटस टेम्पल भी है। लोटस टेम्पल को बनाने की शुरुआत 1976 में की गई थी, जिसके बाद ये टेम्पल दिसंबर 1986 में कंप्लीट बन पाया था। लोटस टेम्पल असल में बहाई वर्शिप के पर्पस से बनाया गया था। बहाई वर्शिप का मतलब सभी की वर्शिप को रेस्पेक्ट देने से होता है। यही वजह है कि इस टेम्पल में हर रिलीजन के लोगों का स्वागत किया जाता है। लोटस टेम्पल को एक ईरानियन आर्किटेक्ट फरीबोर साहबा ने बनाया था, जिसे एक यूके की फर्म फ्लिंट एंड नील ने कंस्ट्रक्ट किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि लोटस टेम्पल की लैंड को खरीदने के लिए सबसे ज्यादा डोनेशन पाकिस्तान के अर्धशेर रुस्तमपुर ने दिया था। इस टेम्पल को बनाने में कुल $10 मिलियन का खर्चा आया था। जब आप इस टेम्पल को ऊपर से देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल किसी कमल के फूल की तरह दिखाई देगा। इस टेम्पल के आसपास की ग्रीनरी भी इस टेम्पल की खूबसूरती के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। और तो और हर साल लाखों लोग दूसरे देशों से इस टेम्पल को देखने के लिए आते हैं। अब दोस्तों, अगर आपको भी इस टेम्पल के बारे में सुन के गर्व है तो कमेंट बॉक्स में नीचे आई लव माई इंडिया लिख के कमेंट जरूर करें। वन सेंट्रल पार्क सिडनी।
वन सेंट्रल पार्क बिल्डिंग सिडनी के चिपेंडल शहर में मौजूद है। ये वन सेंट्रल पार्क दो रेजिडेंशियल टावर्स को मिलाकर बनाया गया है। वन सेंट्रल पार्क को आर्किटेक्ट एटेलियर जीन नोवेल ने डिजाइन किया था। वन सेंट्रल पार्क को इंटरनेशनल लेवल पर एक यूनिक डिजाइन माना जाता है। और दोस्तों, ये बिल्डिंग असल में भी बहुत यूनिक है, क्योंकि जब आप इसे गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कॉम्प्लेक्स चारों तरफ से ग्रीनरी से ढका हुआ है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस वन सेंट्रल पार्क में आपको ऑस्ट्रेलिया के लगभग 200 से भी ज्यादा अलग अलग पेड़ पौधे देखने को मिल जाएंगे। इस सेंट्रल पार्क का एक अपार्टमेंट $1 बिलियन तक का भी बिक चुका है, और इस बिल्डिंग का सबसे सस्ता अपार्टमेंट $77,000 का होता है। इस बिल्डिंग को ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने 5-star रेटिंग दी है। वाकई इस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता होगा। बैंक ऑफ चाइना टावर, हांगकांग, चाइना। बैंक ऑफ चाइना टावर, जिसे BOC टावर भी कहा जाता है, ये चाइना के सेंट्रल हांगकांग में लोकेटेड है। इस बिल्डिंग का नाम बैंक ऑफ चाइना टावर इसलिए भी है क्योंकि इस बिल्डिंग में बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड का हेडक्वार्टर भी है। इस खूबसूरत टावर को चाइनीज अमेरिकन आर्किटेक्ट IMPE और LCPE ने मिलकर डिजाइन किया था। इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन 1985 में शुरू किया गया था, जो असल में 1990 में कंप्लीट हो पाया था। BOC टावर की टोटल हाइट 367.4 मीटर्स यानी 1205.4 फीट है, जिसमें लगभग 70 मंजिलें हैं। इस बिल्डिंग में लगभग 49 एलिवेटर्स लगाए गए हैं। इन तस्वीरों में आप इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ सकते हैं। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि इस बिल्डिंग की एक्स वाले डिजाइन को बहुत से लोगों ने इसकी नेगेटिविटी के लिए क्रिटिसाइज भी किया था, लेकिन जो भी हो, इस बैंक ऑफ चाइना टावर की खूबसूरती देखते ही बनती है। ग्रीन विला MVRDV नीदरलैंड्स। ग्रीन विला MVRDV नीदरलैंड्स के सेंट माइकल्स जस्टल में लोकेटेड है। ये विला असल में ग्रीनरी से इंस्पायर होकर बनाया गया है। इस विला का नाम ग्रीन विला इसलिए रखा गया है क्योंकि ये चारों तरफ से ग्रीनरी से ढका हुआ है। असल में ये एक 4-story वाला विला है, जिसके चारों ओर प्लांट्स को रखने के लिए शेल्फ्स बनाई गई हैं। इस बिल्डिंग को आर्किटेक्ट वैन बवेन आर्किटेक्टर ने MVRDV के साथ मिलकर डिजाइन किया था। इससे इंस्पायर होकर MVRDV ने ऐसे और भी प्रोजेक्ट्स करने का फैसला किया है। इस विला की ग्रीनरी इसे दुनिया की बाकी बिल्डिंग से अलग बनाती है। बुर्ज अल अरब जुमेरा, दुबई। दुनिया की खूबसूरत बिल्डिंग्स की बात हो रही हो और उसमें दुबई का नाम ना लिया जाए, ये कैसे हो सकता है? दोस्तों, बुर्ज अल अरब जुमेरा असल में दुबई का एक होटल है। दोस्तों, वैसे तो ये एक 5-star होटल है, लेकिन इसकी सर्विसेज और खूबसूरती के लिए लोग इसे 7-star होटल कहते हैं। ये होटल जुमेरा ग्रुप की ओनरशिप में आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये होटल असल में एक आर्टिफिशियल आइलैंड पर बनाया गया है। बुर्ज अल अरब जुमेरा होटल की बिल्डिंग का स्ट्रक्चर असल में एक बोट की शेप से इंस्पायर होकर बनाया गया है, और तो और, इस बिल्डिंग की छत पर हेलीपैड के लिए स्पेस बनाया गया है। बुर्ज अल अरब जुमेरा को मशहूर आर्किटेक्ट टॉम राइट ने एटकिंस कंसल्टेंसी के साथ मिलकर बनाया है। इस बिल्डिंग को बनने में लगभग $1 बिलियन का खर्चा आया था। बुर्ज अल अरब जुमेरा पूरी दुनिया का तीसरा सबसे लंबा होटल है। मरीना बे सैंड्स, सिंगापुर। मरीना बे सैंड्स सिंगापुर का एक रिजॉर्ट है जो 2010 में ओपन किया गया था। मरीना बे सैंड्स एक बहुत ही खूबसूरत 5-star होटल है, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये रिजॉर्ट 3 बिल्डिंग टावर्स को मिलाकर बनाया गया है, जो एक दूसरे से एक स्काईवे के थ्रू जुड़े हुए हैं। तीनों टावर्स में 55 फ्लोर्स हैं। मरीना बे सैंड्स को मोशे साफदी नाम के आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया है। दोस्तों, मरीना बे सैंड्स का डिजाइन आज तक का सबसे अच्छा और यूनिक डिजाइन माना जाता है। तीनों टावर के बॉटम 2 हिस्से में बटे हुए हैं, जो ऊपर आकर एक साथ जुड़ जाते हैं, जिसके बाद टॉप पर आकर ये बिल्डिंग स्काईवे के थ्रू एक दूसरे से जुड़ जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रिजॉर्ट को पूरा बनाने में $3 बिलियन का खर्च आया था। दोस्तों, मरीना बे सैंड्स की खूबसूरती में रात के वक्त तो 4 चांद लग जाते हैं। तो दोस्तों, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, ताकि हमारी फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।